मामी, मैं आपको आज अभी इसी वक्त यहां से लेके जाऊंगा। अपनी बेटी को समझा ले आप, मैं इसकी एक बात नहीं सुनूंगा। आज मामी, मामी ठीक है? मामी, सारा 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 जल्दी आओ। अम्मी, क्या मम्मी? हाँ, क्या है? अम्मी, बहुत एम्बुलेंस कॉल करो। हाँ, क्या हुआ आपको? अम्मी, क्या हुआ आपको? हेलो, ठीक है? क्या हुआ है आपको अम्मी? खाला कहाँ है तेरी? वो घर नहीं है, वो काम से गई है बाहर। अच्छा, मेरी बात सुन, घर का बयाना लेकर आई हूँ, ये 2.5 लाख रुपए हैं। इनको संभाल के अपनी अलमारी में रख ले, लॉक पे। मेरे कमरे में तो मुआ लॉक ही नहीं है, ऐसा कमरा दिया है तेरी खाला ने। 2.5 लाख रुपए सिर्फ? अरे तो दे देंगे ना बाकी के भी, आपको हाथ में तो लेकर नहीं बैठे होते पैसे। संभाल के रख ले, मैं बाहर जाती हूँ। रोमाना आ गई और उसे पता लग गया ना, तो पैसे देख के पता नहीं कौन कौन सी जरूरतें गिनाने बैठ जाएगी। हालांकि अल्लाह जानता है कैसी कैसी जरूरतें पूरी नहीं की मैंने इसकी भी, पर अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे तेरे मामू की भी। पर फिर आखिर में हाथ क्या आया सवाई जिल्लत के? बहाज को पता लग गया तो क्या कहने, उसको क्या कहूंगी? तो छुपा लेना, इससे पहले तो जैसे तूने कभी कुछ नहीं छुपाया। बस ये हफ्ता और इतवार निकल जाने दे, फिर पीर को जाके बैंक में जमा कराती हूँ। 2 दिन संभाल ले, बस संभाल लेना। मेरी तो समझ में नहीं आके दे रहा है कि आखिर ये शीना चाह क्या रही है। अरे ये बात अगर किसी बच्चे के सामने लाके रख दो ना, तो वो भी समझ जाएगा कि सरफराज धोखा दे रहा है, झूठा है वो। बस शीना को ही नहीं समझ में आके दे रहा है। हाँ, मैंने यही किया है, बोल दिया उसे, और मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ ही आएगी। ऐसे असफर कुछ भी हो जाए ना, ये सरफराज उससे शादी नहीं करने वाला। पता नहीं क्या मजबूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, वो बताती नहीं है। पर असफर गलती हमारी है, इतने बड़े शहर में उसे अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहिए था हमें। उस बेचारी के पास ना कोई समझाने वाला, ना कोई सुनने वाला। उसे तो जो ठीक लगा उसने कर लिया।
करवा दूंगी यशवर, लेकिन फिलहाल तो वो मुझसे भी बात नहीं कर रही। जब से आई है कमरे में बंद किया हुआ है खुद को। पता नहीं क्या चल रहा है उसके सहन में। उसकी सबसे बुरी आदत भी यही है कि वो कुछ शेयर नहीं करती, कुछ नहीं बताती। क्या होगा सरफराज? तुमने पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में? अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि क्या होगा? सरफराज मुझ अकेली का कसूर नहीं है। यार ये सब फजूल की बहस है। किसका कितना कसूर है कितना नहीं है, इस सब पर बहस करने से जान नहीं छूटेगी। जान छूटेगी? इस बात का क्या मतलब है? तुम जान छुड़ाना चाहते हो? तो फिर क्या करें? ऐसा कभी नहीं करूंगी। करना पड़ेगा तुम्हें। मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? लेकिन एक बात याद रखना सरफराज, मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली बेशक दूसरी औरत होंगी, लेकिन तुम मेरे लिए पहले ही हो। मैं कई सालों से लड़ रही हूं अपनी बहन से सिर्फ तुम्हारे लिए। रो क्यों रही हो? शक करना कब बंद करोगे तुम मुझ पर? जब तुम यकीन दिलाओगे मुझे। मेरी इनसिक्योरिटी, मेरा डर खत्म करोगे कि मीना के सामने इंसल्ट नहीं होगी मेरी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया सरफराज, कुछ नहीं बचा मेरे पास। जो कुछ भी है सिर्फ तुम।